गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द मॉड। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फोर द डाटा 157 एक्स प्लस 1 9 एक्स माइनस 2 3। इफ द मीन इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हिंस फाइंड द मॉड। देखिए डाटा आपका 157 एक्स प्लस 1 9 एक्स माइनस 2 एंड 3। मीन कितना है 4। अब आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इन सबको प्लस करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से आप क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ आपने रखा 4, यहाँ पे एक्स और एक्स कितने हो गए 2x प्लस इन सबको आप करेंगे तो ये हो गया आपका 24/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 7 2 4 28। तो 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 24, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब आप डाटा देखेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे, तो 157 x की वैल्यू रखी, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, फिर 9, 2 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 0 एंड 3। अब आपका मॉड क्या आएगा देखिए, 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। द साइज ऑफ 10 शर्ट आर एज फॉलो। 10 शर्ट है, उनका साइज दिया हुआ है 90 95 100 90 90 95 95 100 90 105। फाइंड द मॉडल साइज। If the size of one shirt is misread as 90 instead of 95, find the correct model size. देखिए आप किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लुक हियर, साइज पहले आप साइज लिखिए। साइज ऑफ 10 शर्ट्स देखिए 90 95 100 95 95 100 90 and 105। अब उसने आपसे कहा है कि मॉडल साइज निकालना। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे देखिए आप। सबसे पहले 90 कितनी बार है 1 2 3 4 बार आपके पास 90। 90 के बाद आपका 95 का नंबर है 1 2 3, तो 3 बार आपके पास 95। इसके बाद आपका 100 का नंबर है, 100 कितनी बार आया 2 बार, एंड इसके बाद है 105। अब उसने पूछा मॉडल साइज। मॉडल साइज मतलब मॉड, मॉडल साइज इज इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ पे 90 आपके कितने 4 टाइम्स आया, 95 कितना 3 टाइम्स, तो मॉड क्या हो जाएगा आपका 90। तो मॉडल साइज हो गया आपका 90। अब वो ये कह रहा है इफ़ द साइज ऑफ शर्ट इज मिसरीड एज 90 इंस्टेड ऑफ 95 फाइंड द करेक्ट मॉडल। अब आपका डाटा चेंज हो जाएगा जब आप मिसरीड हो जाएगा, तो न्यू डाटा क्या बनेगा आपका, लुक हियर न्यू डाटा। उसने आपसे कहा है कि जो है मिसरीड 90 को इंस्टीड ऑफ 9, वन शर्ट इज मिसरीड एज 90 इंस्टीड ऑफ 95। 95 की जगह इसको क्या पढ़ लिया गया है 90। तो आप डाटा आपका हो जाएगा 90 एंड 95। यस न्यू डाटा आपका क्या बनेगा, लुक हियर 90 90 90, और उसने 90 की जगह क्या पढ़ लिया 95। तो आप एक 90, यस न्यू डाटा आपका बनेगा 90 90 90, और फिर आपका 90 एंड 95 की जगह उसने क्या पढ़ लिया है 90। तो आप एक ये कर देंगे, फिर हो गया 95 95 100 100 एंड 105। तो न्यू मॉडल साइज आपका आएगा, करेक्ट मॉडल साइज क्या आ गया, तब भी आपका मॉडल साइज 90 ही
आएगा, मॉडल साइज क्या आएगा आपका 90। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट, लास्ट क्वेश्चन। लुक हियर, ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट रिपोर्ट ऑन द नंबर ऑफ बुक्स रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्कूल ईयर। द डाटा इज एज फॉलो, नंबर ऑफ बुक्स आप है वन, वन बुक कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी, वन, टू, थ्री स्टूडेंट्स ने, एंड थ्री बुक्स जो है सेवन, एंड फोर बुक्स पढ़ी हैं टू ने, एंड फाइव बुक्स सिक्स स्टूडेंट्स ने, एंड सिक्स टू ने, एंड सेवन जीरो ने, एंड एट फोर में। फाइंड द मॉड ऑफ दिस ग्रुप डाटा, तो आपको क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो आप किस से निकालेंगे, लुक हियर, सबसे पहले अरेंज द डाटा इन टेबलर फॉर्म में करेंगे आप। लिखिए अरेंजिंग द डाटा इन द टेबलर फॉर्म। यहाँ पे आप टेबल्स बनाएंगे, लुक हियर, यस, फर्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, सेकंड टैली मार्क, एंड थर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, सेवन, एट, ये है आपका, यस। अब आपकी नंबर ऑफ बुक्स, वन बुक्स कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी, वन ने, टू बुक्स कितने ने पढ़ी, थ्री ने, एंड थ्री बुक्स सेवन ने, फोर बुक्स टू स्टूडेंट्स ने, फाइव बुक्स सिक्स ने, एंड सिक्स बुक्स पढ़ी है टू स्टूडेंट्स ने, सेवन बुक्स